ऑन अली, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ ना कि अवनी नील से प्यार नहीं करती? अदरवाइज तुम खुद ही सोचो ना, अगर वो उससे प्यार करती होती तो हनीमून पे जाने के लिए मना थोड़ी ना करती उसके साथ। ऑफकोर्स अली, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ ना कि अवनी अभी भी तुम्हारी बन सकती? या फिर मैं ये कहूँ कि अवनी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ओके अली, गुड नाइट। अब बताओ व्हाट्स द प्लान? यू नो व्हाट्स हियर, ये जो अली किस्म के आदमी होते हैं ना, इन्हें अच्छा बनना बड़ा अच्छा लगता है, गुड मैन। और ये लोग, इनकी जो अंदर की आवाज़ होती है, इन्हें लाउड स्पीकर की तरह सुनाई देती है, जैसे कि नहीं अली तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ? नहीं तो फिर से सोचोगे तुम गलत, ऐसी किस्म की आवाज़ें सुनाई देती। तो ऐसे लोगों के लिए अलग चाल चलनी पड़ेगी। जैसे कि क्या? देखो, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि नील ने अनन्य के साथ हनीमून जाने के लिए, हनीमून पे जाने के लिए मना कर दिया है। तो अब हमें नील को मनाना है, तभी हमारा ये प्लान सक्सेसफुल है। चॉकलेट आइसक्रीम मेरी फेवरेट और तुम भी मुझे लाई हो, वाह। अनन्य वैसे तुम ना महान महान दिल्लू, तुम्हें कड़वी कड़वी बातें सुना रहा है और यहाँ तुम मेरे लिए मीठा मीठा लेकर आई हो। कौन सी कड़वी बातें? अरे हनीमून में न जाने वाली बात और कौन सी? कोई बात नहीं अभी, मैं भी हनीमून पर नहीं जाना चाहती। आप ये तो बहुत समझ गया, कुछ बातें ना सुनने में सच्ची नहीं लगती, भले उसे कहने वाला सच्ची तरीके से क्यों ना। सच में मुझे नहीं जाना है।